डू यू हैव अ चाइल्ड जो जब भी आप हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हो बीच में से बच्चा चिल्लाता है, जोर जोर से बीच में आके स्क्रीम करता है, अगर बच्चे को कुछ भी चाहिए तो बच्चा अपने टोनी के बॉटम से इतना जोर जोर से चिल्लाएगा, इतना जोर जोर से चिल्लाएगा कि आपको इरिटेट होने लग जाता है. यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. डू सी दिस वीडियो टिल द एंड. इज इट पीसफुल? नो, एक्चुअली इट्स इरिटेटिंग. लॉट ऑफ टाइम ये इरिटेट तभी करता है जब ये आप सोचते हो अरे यार हम लोग पब्लिक में ही कितना जोर से बच्चा चिल्ला रहा है, अरे ये तो हम दोनों को भी प्यार से बात नहीं करने देता, अरे इसको जब भी कुछ भी चाहिए शी विल स्टार्ट स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस एंड ही और शी डजंट सीम टू कन्वे थिंग्स पीसफुली. तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? समथिंग वेरी बेसिक एंड फ्यू ऑफ द थिंग्स, फ्यू ऑफ द वेज दैट कैन हेल्प यू ऑल अलॉट. फर्स्ट थिंग, बच्चे कभी भी खुद का एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं. अगर बच्चों को लगता है मेरे चिल्लाने से, मेरे स्क्रीम करने से चीज़ें मेरे हिसाब से चलेगी, तभी बच्चे वो ट्रिक यूज़ करते हैं. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ डोंट गिव इन. प्लीज़ डोंट गिव व्हाट चाइल्ड वांट्स, स्पेशली व्हेन चाइल्ड स्क्रीमिंग मेरे को यही चाहिए. डोंट गिव. तो धीरे धीरे वो अप्रोच चेंज हो जाएगा. दूसरा चीज, विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉर्मल स्क्रीमिंग आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एक्साइटमेंट. सी, सो मेनी टाइम्स इफ यू टेक दैट हाई पिच अवे, मुझे चाहिए, मुझसे अब भी बात करो, मुझे अब भी क्या भी चाहिए, प्लीज डू इट. आई एम सॉरी, दिस वॉज लिटिल लाउड, बट बच्चे एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं. बट दैट्स नॉर्मल. हाई पिच में बात करना फॉर किड्स इट्स नॉर्मल. इट्स नथिंग एबनॉर्मल अबाउट योर चाइल्ड. हम लोगों से समझना है कि बच्चों को हमको ये समझाना है वेन इट इज ओके टू टॉक इन हाई पिच एंड वेन इट्स नॉट ओके टू टॉक ऑन टॉक इन हाई पिच. सो वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन क्रिएट इज वी कैन क्रिएट अ स्क्रीमिंग गेम इन द हाउस. से ब्रेकफास्ट टाइम बिकम अ लो पिच और साउंड टाइम, or the meal time become a low pitch sound time, and when you're going out for a play and you say 1 2 3 let's scream yay and everybody scream out together. So when otherwise there is a time when we are not screaming, we say it's the time when we don't scream. Okay, so a game is a kind of a fun where the body language, the tone, the way you will do few of the eye movements that can make child understand, okay, this is not the high pitch time, this is a low pitch time. And it's easy to teach your child few of the social communication way that where we are and at what pitch we can probably talk. Third, we cannot correct a child with screaming back. Don't talk. Why you're shouting? Why you're shouting? Don't shout at all. Sit down properly. Don't scream like this. Then your child knows, I can scream because she is screaming. I can scream because he is screaming. See, your child will not learn from what you are saying. Your child is going to learn from what you are doing. So as a family, this is a wonderful thing to observe. Within a family, do we have a tendency to raise our voice when things don't go our way? So somewhere child is picking up that, and then we have to make corrections over there. Fourth, शायद ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई बाबा, बड़े लेवल पे हो गई. अभी बच्चा चिल्ला रहा है तो अभी क्या कर सकते हैं. द फोर्थ ट्रिक इज फॉर दैट, व्हेन द चाइल्ड इज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, मम्मा आई वांट दैट बॉल, व्हाट वी कैन डू, यू नीड टू शिफ्ट बैक एंड से ऑन अ सॉफ्ट टोन, इट लुक्स लाइक यू आर वेरी एक्साइटेड. आपको क्या हुआ? बहुत एक्साइटिंगली कुछ तो भी चाहिए, बोलो क्या चाहिए. 70-80% of the time, your whisper is going to get child's pitch back to normal and it will stay there. So you talking at the low pitch can actually. Next trick that has worked and that I have been using meri choti wali daughter ke sath, because usko tendency mama 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 mama, she just won't stop. And I was telling her that if you scream, mama is not listening. आप जब भी मम्मा से पोलाइटली बात करोगे तभी मम्मा सुनेगी. एंड दिस एवरीथिंग कन्वेड एट अ वेरी पोलाइट टोन. हमारा टोन बिगड़ा कि बातें वर्क होना बंद हो जाता है. सो ट्राई एंड यूज दिस बेसिक ट्रिक्स एंड दे विल एक्चुअली हेल्प योर चाइल्ड टू फील
बेटर. नाउ अपार्ट फ्रॉम द ट्रिक, बाय द एंड ऑफ द डे ट्राई टू हैव अ वर्ड विथ योर चाइल्ड, सिट विथ योर चाइल्ड. यूजुअली आपको पता है बच्चे चिल्लाते बहुत ज़्यादा कभी है, टिल एज 5, 6, 7 इट स्टार्ट फेडिंग ऑफ, बट इन वेरी यंगर एज, मोस्ट प्रॉब्ली टिल एज 1.5 to 2 बच्चे ज़्यादा चिल्लाते हैं बिकॉज दे लैक वोकैबुलरी टू कन्वे वॉट दे वॉन्ट टू कन्वे, सो दे एक्चुअली एंड अप इन टू स्क्रीमिंग जोन. उसके बाद दे रीच अ स्टेज वेयर दे गॉट इन टू द हैबिट दैट ऐसे बात करने से चीज़ें बनती है, चीज़ें मेरे हिसाब से चलती है. सो यू हैव टू समवेयर बैलेंस बिटवीन आपके बच्चे का उम्र क्या है और उस हिसाब से बच्चे को कन्वे करना पड़ेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ बी अ पीसफुल पेरेंट. जस्ट बिकॉज योर चाइल्ड इज स्क्रीमिंग आउट ऑफ अ थॉट दैट लोग क्या बोलेंगे, डोंट फील डिस्टर्ब, डोंट फील दैट यू फेल एज अ पेरेंट. लोग तो वैसे भी बोलेंगे वैसे भी बोलेंगे. It's our role to keep on correcting our child. And yes, few of the rules, few of the regulation, few of the roles specific communication can 100% help when it comes to parenting. Parenting will get evolved. It might take a little time to reach such a stage where my child understand my non-verbal communication. But for that, I have to reach a stage जहाँ पे मुझे मेरे बच्चे का non-verbal communication समझ में आए. All the best, all of you. Take care of yourself. Stay peaceful. Things will be okay. Enjoy your parenting and bye.